शिवराज चौहान जी कहते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। वो अपना सेलफोन दिखाना कमलनाथ जी, वो सेलफोन दिखाना जो आपने मुझे आज दिखाया, जिस पे उनका नाम लिखा है कर्जा माफ वालों का। कमलनाथ जी ने सेलफोन दिखाया मुझे। कमलनाथ जी नाम जरा पढ़िए, जरा नाम पढ़िए, किसका कर्जा माफ हुआ जरा नाम पढ़िए। शिवराज सिंह के भाई रोहित सिंह चौहान और सगे चाचा की बेटा रोहित सिंह चौहान और सगे चाचा की बेटा निरंजन सिंह का हुआ कर्जा माफ। और शिवराज सिंह कहते हैं कुछ अब ये मतलब कैसी बात कर रहे हैं। सरकार के स्टेटिस्टिक्स में रिकॉर्ड में लिखा है कि उनके भाई का कर्जा माफ हुआ। और अगर कमलनाथ जी शायद अगर वो चाहें आप इसकी फोटोकॉपी उनको भेज दीजिए। उन्होंने अप्लाई किया कर्जा माफ करवाने के लिए, उनके भाई ने अप्लाई किया और हमने माफ किया। और शिवराज चौहान जी कहते हैं किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज चौहान जी आपके भाई का कर्जा माफ हुआ है, इतना तो झूठ मत बोलिए। अच्छा कमलनाथ जी व्यापम के बारे में भी कुछ कीजिए। व्यापम के बारे में भी कुछ कीजिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। मगर पांच साल नरेंद्र मोदी जी ने अन्याय किया। हमने निर्णय लिया कि ठीक है अगर ये पांच साल अन्याय करेंगे करा हम न्याय न्याय योजना दिलवाएंगे। न्याय योजना क्या है मैं आपको सीधा बता देता हूं। ऐतिहासिक काम, किसी भी देश ने किसी भी सरकार ने ऐसा काम आज तक नहीं किया। वो तो होगी बहन जी व्यापम पे जांच होगी, वो तो होगा होगा। मगर देखिए न्याय योजना लाखों करोड़ रुपए, भाई आप शांत हो जाएं, लाखों करोड़ रुपए 25 करोड़ लोगों को 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव के बाद डालने जा रही है। आप सोचिए आप ग्वालियर में सबसे गरीब व्यक्ति के घर जाइए, आप ग्वालियर में सबसे गरीब व्यक्ति के घर जाइए, उससे मिलिए और उससे एक सवाल पूछिए, उससे पूछिए भाई बताओ अगर आपके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल का 72,000 रुपए डाले, 5 साल का 3,60,000 रुपए डाले तो आपकी जिंदगी का क्या होगा। आपको ग्वालियर का गरीब व्यक्ति कहेगा मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, मुझे गरीबी से निकलने का मौका मिलेगा। हम ये काम एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये काम 10 लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, 1,000 के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये काम 25 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। अब सोचिए मैं ग्वालियर के छोटे बिजनेस वालों से कहना चाहता हूं, दुकानदारों से कहना चाहता हूं, मध्यम वर्ग से कहना चाहता हूं, ये न्याय योजना ये सिर्फ गरीबों की मदद करने की नहीं है, ये न्याय योजना आपकी मदद करने की योजना है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जनता के जेब में से पैसा निकाला, अनिल अंबानी को दिया, मेहुल चौकसी को दिया, जैसे ही ग्वालियर के लोगों के घर से जेब से पैसा निकाला आप लोगों ने माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट जूता टी शर्ट काले चश्मे जो भी आप खरीदते थे आपने खरीदना बंद किया। इसका असर एकदम ग्वालियर के दुकानदारों पर पड़ा।
दुकानें बंद हो गई, लोग खरीद नहीं रहे थे, कुछ बिक नहीं रहा था, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जैसे ही दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्री के मालिक बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने कहा देखिए नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, नोटबंदी कर दी, दुकानें बंद हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, चलो फैक्ट्रियों को बंद करो। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होने शुरू हो गई। मालिकों ने कहा, युवाओं से कहा, देखिए आपकी यहां कोई जरूरत नहीं, आप घर जाइए। उधर नोटबंदी हो गई, गब्बर सिंह टैक्स लागू हो गया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। हम बनाते हैं बेचने के लिए, अगर कुछ बिक नहीं रहा है तो हम बनाएंगे नहीं। और 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हो गई। अब न्याय योजना का पैसा आएगा, 10-15 रुपए नहीं, लाखों करोड़ रुपए, तूफान जैसा, 25 करोड़ लोगों को मिलेगा, 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। ग्वालियर के दुकानदारों, व्यापारियों, आपको यह बात समझनी है, जैसे ही वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा, वैसे ही वो लोग आपकी दुकानों में आएंगे, आपकी दुकानों में आएंगे, कहेंगे मुझे शर्ट खरीदनी है, मुझे पैंट खरीदना है, मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे कंघी खरीदनी है, मुझे टूथपेस्ट टूथब्रश खरीदना है। जैसे ही वो आपके पास आएंगे, आप माल बेचोगे, जैसे ही आप माल बेचोगे, हिंदुस्तान के फैक्ट्री का मालिक देखेंगे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो गई। जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी, मालिक लोग, फैक्ट्री के मालिक लोग युवाओं को बुलाएंगे, कहेंगे चलो इधर आओ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट कर दी कांग्रेस पार्टी ने, दुकानें चालू हो गई हैं, चलो आओ काम शुरू करो, बेरोजगारी को मिटाना है, रोजगार पैदा करना है। तो न्याय योजना से सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं होगा, न्याय योजना से ग्वालियर के दुकानदारों को, व्यापारियों को फायदा होगा, छोटे बिजनेस वालों को फायदा होगा, मिडिल साइज बिजनेस वालों को फायदा, और सबसे ज्यादा फायदा बेरोजगार युवाओं को होगा। इन फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने, आप याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपको आपको कहा था कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 5 साल हो गए, बन गया स्मार्ट सिटी, बन गया। तो जहां भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, कहीं ना कहीं झूठ बोल जाते हैं। अब बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे। किसान आत्महत्या करने, उसके बारे में नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। 15 लाख की बात नहीं करेंगे, हमने कहा 15 लाख नहीं दिया जा सकता, 3,60,000 हम दे देंगे, नरेंद्र मोदी चुप, एक शब्द नहीं बोला। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो आतंकवादी है मसूद अजहर, इसको क्या पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी ने भेजा था क्या? इसको हवाई जहाज पे बैठाकर कांदाहार क्या कांग्रेस पार्टी ने भेजा था? क्या हमारा मंत्री, हमारा मंत्री के हवाई जहाज में बैठा था? क्या हमारे मंत्री ने आतंकवादी संगठन को पैसा दिया था? नहीं, बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान की जेल से उस आतंकवादी को निकाला, हवाई जहाज पे डाला, बीजेपी का मंत्री उस हवाई जहाज पे बैठा, और जैश ए मोहम्मद को पैसा बीजेपी के मंत्री ने दिया, और उसी आतंकवादी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, ये काम किसने किया? ये काम नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने किया। देश को आप ये क्यों नहीं बताते? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि सच्चाई है,
नरेंद्र मोदी सच्चाई बोलना नहीं जानते। नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था, भाइयों और बहनों आपने मुझे मुझ पर भरोसा किया, मैंने आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नहीं कर पाया, गलती हो गई, माफी मांग लेनी थी और कहना था इस बार मैं ऐसे करके दिखा दूंगा। अगर इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सच बोल जाते, कह देते कि हां मैंने झूठे वायदे किए, मैंने गलती की, तो जो हिंदुस्तान का उन पर भरोसा था जो टूट गया, शायद वो थोड़ा सा बच जाता। मगर नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को कोई समझ नहीं, सोचते हैं कि जो भी दिल में आता है कह सकते हैं। नहीं नरेंद्र मोदी जी, ये देश बहुत होशियार है, ये देश गरीब जरूर है मगर ये देश बहुत होशियार है, ये देश सच्चाई को पहचानता है, समझता है और इस देश ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को इस बार हराना है। आप देश को बताइए मोदी जी, आपने अनिल अंबानी को, यहां ग्वालियर में एयरफोर्स बेस है, एयरफोर्स बेस है, यहां पे पायलट हैं, आप इन लोगों को बताइए कि आपने इस एयरफोर्स बेस के युवाओं से, एयरफोर्स के पायलट से 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके उस चोर अनिल अंबानी को दिया, आप यहां बताइए, ग्वालियर में बताइए, ग्वालियर में बताइए कि राफेल हवाई जहाज लाखों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, शायद फैक्ट्री ग्वालियर में लग सकती थी, एक फैक्ट्री नहीं लगती, अनेक फैक्ट्रियां लग सकती थी, यह सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, यह वेपन सिस्टम है, इसमें अलग अलग तरीके के हथियार हैं, रेडार है, कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, शायद एक फैक्ट्री ग्वालियर में लग सकती थी। आप ग्वालियर के युवाओं को बताइए कि आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों कहा कि हवाई जहाज को हिंदुस्तान में नहीं बनाना है। आप ग्वालियर के युवाओं को बताओ कि आपने 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा। आप ग्वालियर के युवाओं को बताओ आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को परे करके अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। एयरफोर्स के लोगों ने कहा है, डॉक्यूमेंट्स में कहा है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन फ्रांस की सरकार के साथ, डसॉल्ट कंपनी के साथ किया। आप ग्वालियर में आके बताइए यह आपने काम क्यों किया, नहीं बता पाएंगे नरेंद्र मोदी जी। और अगर आप ग्वालियर से डरते हैं तो मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, कहीं भी करना चाहते कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, मुझे रेसकोर्स रोड में बुलाना है बुला लीजिए, कहीं भी आ जाऊंगा, ठीक है, अनिल अंबानी के घर नहीं आने वाला, और कहीं भी आ जाऊंगा। आप अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाओगे नरेंद्र मोदी जी, 15 मिनट डिबेट कर लो मेरे साथ, भ्रष्टाचार की आप बात करते हो, 15 मिनट आपको जो बोलना है आप बोलो, 15 मिनट मुझे दे दो, मैं राफेल पर बात करूंगा आपके सामने, आप हिंदुस्तान के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। और नरेंद्र मोदी जी एक बात याद रखिए, एक बात आप याद रखिए, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, राफेल घोटाले में इंक्वायरी होगी, दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हमारे प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।